झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी अपने बड़बोले बयान से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इनकी बड़बोलापन से विधायकी की तो भद पीटता ही है, साथ ही पार्टी की भी किरकिरी होती है। विधायक इरफान अंसारी एक बार फिर से विवादित बयान देकर सुर्खियों में है। इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड का जामताड़ा ज्ञान का स्थल है, यही वजह है कि यहाँ साइबर अपराधी काफी तेज हैं और चंद मिनटों में लोगों के रुपए उड़ा देते हैं। जामताड़ा बताइए, शिक्षा का मंदिर है, विद्यासागर, यही की जननी है, यहाँ तो लोग टॉपर हैं। बताइए, आज जो जामताड़ा में आप देख लीजिएगा, जो एक से एक साइबर माइंड है, लोगों का पैसा चंद मिनट में उड़ा देता है लड़का लोग, तो क्या है वो गॉड गिफ्टेड है, विद्या का सागर है जामताड़ा, विद्या का धनी है। वही इरफान अंसारी के इस बयान पर भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने साइबर क्राइम करने वाले लोगों को महामंडित करते हुए कहा, उनके टैलेंट को ईश्वर का वरदान बताया है। क्राइम क्राइम होता है विधायक जी, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। ऐसा कहकर आप युवा पीढ़ी को साइबर क्राइम के रास्ते जाने के लिए उकसा रहे हैं। इस तरह के बयान को तुरंत वापस लेना चाहिए। माननीय इरफान अंसारी जी ने तो आज सारी सीमाओं को लांघ दिया। अब वो जस्टिफाई कर रहे हैं जामताड़ा में जो भी बैंकिंग फ्रॉड का रैकेट या साइबर फ्रॉड का रैकेट चल रहा है उसको कह रहे हैं, और उन्हें करने वालों को, उन्हें अंजाम देने वाले लोगों को गॉड गिफ्टेड पर्सन बता रहे हैं। साहब, ये कौन सी बात है? जामताड़ा ने पूरे देश की सुर्खियों को बटोरा था जब अमिताभ बच्चन तक का अकाउंट यहाँ से हैक हो गया था। जामताड़ा एक तरीके से हब हो गया है साइबर क्राइम का, और पुलिस इसे लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से इनकी महिमा मंडित कर रहे हैं माननीय विधायक, तो ऐसे लोगों को बल मिलेगा। मुझे लगता है विधायक जी को अपने इस वक्तव्य को तुरंत वापस लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्तव्य से प्रेरित होकर अन्य युवा भी साइबर क्राइम के क्षेत्र में जाएंगे, और क्राइम का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता विधायक जी।